नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि मोबाइल में जो नॉर्मल रिकॉर्डिंग करके हम जब वीडियो बनाते हैं तो उसकी हैश वैल्यू कैसे बनाई जाए। तो जैसे मित्रों, हम जानते हैं कि बहुत सारी ऐप अपने मोबाइल पे उपलब्ध है, तो एंड्रॉयड मोबाइल में जो बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, ऐसे ये हैश वैल्यू जनरेटर, एक हैश चेकर नाम की एक ऐप है, इसका हम बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, हैश चेकर वहां अगर आप टाइप करेंगे तो आपको इस तरीके से एक ऐप दिखाई देगी। इसी ऐप के माध्यम से हम बहुत सटीक तरीके से हैश वैल्यू जो है हमारी वीडियो की, फोटोग्राफी की निकाल सकते हैं। तो अब वो निकालने की जो प्रक्रिया है वो इस ऐप के द्वारा, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, ये वो ऐप है जो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो आपको दिखेगा। इसमें आप देख सकते हैं MD5 SHA CRC 32, इस सभी प्रकार की जो हैश वैल्यू के एल्गोरिदम जो हमें ज्ञात है वो सब इसके अंदर हमें मिल जाएंगे। अब मित्रों, इसके पहले कि हम हैश वैल्यू को देखें, ये मेमोरी कार्ड कैपेसिटी का एक चार्ट बनाया हुआ है आपके सामने। इसमें आप देख सकते हैं कितने GB का, अगर आपके पास मेमोरी कार्ड होगा या पेन ड्राइव होगा, तो आप कितने घंटों की उसके अंदर जो है आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयास है आपको मेमोरी कार्ड और उसके कैपेसिटी के बारे में जानकारी देने का। तो चलिए अभी हम चलते हैं हमारे ऐप की ओर। तो मित्रों, जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करेंगे और जब ऐप खुलेगा, आप देखेंगे आपके सामने आ जाएगी इस प्रकार की स्क्रीन। अब ये स्क्रीन आने के बाद आपको सर्वप्रथम क्या करना है कि जिस फाइल के हैश वैल्यू निकालनी है उसके लिए आपको ये फ्रॉम वाला जो ऑप्शन है वहां पे जो है आपको क्लिक करना है। इसके पहले आप यहाँ देख सकते हैं MD5 ये एल्गोरिदम पास है। इस एल्गोरिदम के नीचे SHA भी लिखा है, सब कुछ ऑप्शंस उसके अंदर लिखे हुए हैं। जो ऑप्शन एल्गोरिथम में आपको उसकी हैश वैल्यू निकालनी है उस चीज को आप यहाँ पे जो है अंकित कर देंगे। इसके ऑप्शंस में वो सब कुछ आ जाएगा, उसको आप सेलेक्ट कर दीजिए। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, फ्रॉम का बटन दबाएंगे। फ्रॉम का बटन दबाने के बाद हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा फाइल। अब देखिए, इसके अंदर टेक्स्ट का भी हम निकाल, ये ऑप्शन जो आप तीनों देख रहे हैं ये वो ऑप्शन है जिनके हम हैश वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये अगर टेक्स्ट है आपके पास में, कोई टेक्स्ट फाइल है, तो उसका भी हम हैश वैल्यू निकाल सकते हैं। ये फाइल एंड फोल्डर जो हमारे पास जो है, जिसके अंदर हमने सब चीजों को संरक्षित करके रखा हुआ वो है फोल्डर। आप जानते हैं कि आपने अगर किसी प्रकार का एक पर्टिकुलर फोल्डर अगर आपने बना के रखा होगा तो इस फोल्डर की भी हम जो है हैश वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ अब हम देखेंगे उदाहरण के तौर पे, अभी हम क्लिक करेंगे फाइल पे। मित्र, जैसे हम देखिए फाइल पे क्लिक करेंगे तो हमारे मोबाइल में ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे इस ऐप के अंदर। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं ये वीडियो वाला ऑप्शन आ गया, ऑडियो वाला आ गया, इमेज वाला आ गया। अब हम उदाहरण के तौर पे आज सीखेंगे कि वीडियो का कैसा निकाला जाए हैश वैल्यू। तो इस आप जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे, आप देखिए कि जो नीचे आप ये देख रहे हैं सब इमेजेस दिख रही है, ये बिल्कुल हमारे फोन की तरह काम कर रहा है। जैसे आप फोन की स्क्रीन आप देख सकते हैं, हमारे फोन की स्क्रीन बिल्कुल इसी तरह से दिखेगी। तो अब हम यहाँ पे आ गए, इस वीडियो का हम चयन करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन लगा दिया, उसके बाद में हम वीडियो क्लिक कर दिया। जैसे वीडियो हमने क्लिक कर दिया, आप देख सक रहे हैं नीचे ये जो है सब जितने भी वीडियो हमारे मोबाइल में रिकॉर्डेड है उसके सबके जो है ऑप्शन इतने जाने शुरू हो गए। अब हमने उदाहरण के तौर पर इस वीडियो को जो है हमने क्लिक कर दिया। अब इस वीडियो को क्लिक करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, फिर हमारा जो नेक्स्ट स्क्रीन जो आएगा वो आ जाएगा एक्शन और फाइल के मोड पे। ठीक है, अब ये जो आप नंबर देख रहे हैं .MP4 वाला, ये हमारा वो उस वीडियो का नाम है। ठीक है, तो ये वीडियो यहाँ पे एक हमने चयन कर दिया। चयन करने के बाद हमने एल्गोरिथम इसका रखा हुआ है MD5। अब हम इसको जाएंगे एक्शन मोड पे, है ना। एक्शन मोड पे जाने के बाद हम इसको करेंगे जनरेट। जब हम जनरेट का बटन यहाँ प्रेस करेंगे, मित्रों आप देखिए यहाँ पे आपका सामने रिजल्ट क्या आता है। जैसे ही हमने रिजल्ट हमने वो जनरेट का बटन दबा दिया, आप देखिए हमारे सामने रिजल्ट क्या आ गया,
MD5 के एल्गोरिथम में आप देखिए इसकी हैश वैल्यू उस वीडियो के आगे, ये देखिए वीडियो नंबर सेम है, ठीक है ना, ये वही वीडियो नंबर है जो हमने देखा था डेमो में, जिसमें हमने चेंज किया था, और आप ये देखेंगे ये जो है उसकी हैश वैल्यू है। अभी मित्रों ये देखिए आपके सामने ये उदाहरण के तौर पे हमने रखा हुआ है, ये दोनों हैश चेकर एक ही ऐप है, आप यहाँ देख सकते हैं समय भी बिल्कुल जो है ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का फर्क पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ के हैश वैल्यू और यहाँ की जो हैश वैल्यू मेल नहीं खा रहे। अब इसका सीधा सीधा कारण जो है, जो पहली बार अगर इसका इस्तेमाल कोई कर रहे हैं तो वो ये चीज समझ जाए, देखिए मित्रों के अल्गोरिथम अगर जब चेंज होगा तो हैश वैल्यू भी चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पे MD5 अल्गोरिथम हमने इस्तेमाल किया है, ऑप्शन में डाला हुआ है, तो इसका हैश वैल्यू यही होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एल्गोरिथम जो है SHA-256 के एल्गोरिथम में डाला हुआ, इसीलिए इसकी जो हैश वैल्यू है वो इसी वीडियो के होते हुए भी अलग है। ये उदाहरण के तौर पे हमको सबको समझना चाहिए कि जिस एल्गोरिथम से हम हैश वैल्यू प्राप्त करेंगे, हमको जब भी उस चीज का क्रॉस वेरिफिकेशन करना होगा, उस क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए हमें ये देखना होगा कि उसका एल्गोरिथम भी ये सेम हो। अगर आपने MD5 की हैश वैल्यू SH-256 से अगर कंपेयर करेंगे, वो हैश वैल्यू कभी मेल नहीं खाएगी। इसलिए जब भी हम फाइल बनाएंगे, जब भी हम कोई पेपर बनाएंगे जिसमें हमें हैश वैल्यू का वर्णन करना होगा, हम उसमें जरूरी तौर पे लिखेंगे कि उसका एल्गोरिथम कोड क्या है, MD5 SH-256 जो भी है वो हम लिखेंगे। तो अभी मित्रों देखो, देखिए यहाँ पे जो है ये आपको मैंने बता दिया एल्गोरिथम के ऑप्शंस है, ये MD5 ये देखिए एक नंबर पे जिसको हमने चयन करके वो रखा हुआ है, उसके बाद में SHA-1 है, SHA-224 है, 256, 384, 512, 224, 256, 384, ये सभी एल्गोरिथम के कोड है। इसी एल्गोरिथम कोड में आप जब भी कोई इस ऑप्शन को यहाँ चयन करेंगे, आपको जब भी उस चीज को अगर कंपेयर करना होगा, तो आपको लिखित में आप जो हैश वैल्यू की रिपोर्ट बनाएंगे उसमें आपको लिखना होगा कि आपने किस एल्गोरिथम के माध्यम से जो है इस हैश वैल्यू को प्राप्त किया हुआ है। तो ये यहाँ पे बड़ी ध्यान में रखने की बात है। अब मित्रों ये देखा जाए कि हैश वैल्यू तो निकालना है, हैश वैल्यू निकालते समय चयन भी सब कुछ करना है, लेकिन इस हैश वैल्यू को मोबाइल में निकालने के बाद इसकी रिपोर्ट को संकलित कैसा करना है ताकि हम उसको उचित तरीके से न्यायालय में दाखिल कर सके, तो कुछ सावधानियां इसमें बरतनी है जिससे इस हैश वैल्यू में कोई प्रकार की तब्दीली ना हो, कोई इसके अंदर जो है कोई ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जिससे ये लगे किसी को कि हमने जो हैश वैल्यू निकाली है ओरिजिनल फाइल की और जो कोर्ट में पेश की है वो दोनों भिन्न है, या उसके अंदर कुछ प्रकार का हमने टेम्परिंग किया हो। तो कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी है ताकि हम अच्छी तरह से इस हैश वैल्यू को जतन करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो क्या हमको सावधानियां पकड़नी है कि मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए वीडियो फोटो को डेटा केबल के माध्यम से ही कंप्यूटर लैपटॉप में ट्रांसफर किया जाना चाहिए, व्हाट्सएप या किसी तरह के डेटा ट्रांसफर फॉरवर्डिंग सोशल मीडिया ऐप का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर डेटा केबल के माध्यम से जब आपका ये वीडियो कंप्यूटर लैपटॉप में चलाया जाएगा, जहां हमें संकलित करके उसको कोर्ट में पेशी करनी है, तो उसकी अल्गोरिथम या उसका उसका जो कुछ बनावट है उसमें चेंज होने की जो संभावना है वो बिल्कुल नहीं लुकती। लेकिन अगर यही डेटा ट्रांसफर हम किसी फॉरवर्डिंग सोशल मीडिया से करेंगे, जैसे व्हाट्सएप से मानो कर दिया या किसी और माध्यम से उसको हमने कर दिया, अगर गलती से उसके अंदर वीडियो सेट करते हुए अगर कुछ तब्दीली हो गई, एकाध वर्ड हमसे उसके अंदर टाइप हो गया या कुछ और चीजें उसके अंदर फॉरवर्ड बैकवर्ड करने में अगर कुछ चीजें हो गई, तो उसकी हैश वैल्यू में परिणाम दिख सकता है। तो इसलिए हमें सावधानी ये बरतनी है कि यहाँ पे हमें डेटा केबल का ही उपयोग करना है। फाइल को कंप्यूटर लैपटॉप में ट्रांसफर करने के बाद उसकी हैश की संबंधित एक अलग से वर्ड फाइल बना लेनी है हमें। क्यों बनानी है? ताकि जब हम उस वर्ड फाइल को बनाए तो उसमें हमें क्या पेस्ट करना है, जिस पेन ड्राइव सीडीए में आप कॉपी कर रहे हैं उसमें हैश वैल्यू की फाइल भी कॉपी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी वीडियो को केबल के माध्यम से इस हैश वैल्यू जो हमने जनरेटर ऐप का इस्तेमाल करके जो हैश वैल्यू इसकी हमने बनाई है, जब भी हम इस हैश वैल्यू को बनाएंगे तो हमें ये सब चीजों को एक अलग से वर्ड फाइल में कॉपी पेस्ट करना होगा, और जिस फोल्डर फाइल को हमें कोर्ट में संकलित करके पेश करने होगा उसी में इस हैश वैल्यू को जिस प्रकार से हमने निकाला है और वो जो हैश वैल्यू उसकी हमें प्रकट हुई है इस ऐप के माध्यम से, वो भी जो फाइल है
वो हमें उस फोल्डर या उस संकलित वीडियो या फोटोग्राफी के साथ कोर्ट में पेश करना है, ताकि उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर या इस वीडियो की क्या हैश वैल्यू थी वो कोर्ट को पता चले। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। अब यहाँ देखिए आप, मास्टर फाइल किसको कहा जाएगा, जो पेन ड्राइव सीडी जो ओरिजिनल बनी हुई है वो PSA धारा 63(4)C पार्ट ए प्रमाण पत्र और चेन ऑफ कस्टडी के बयान के साथ साक्ष्य के रूप में उचित रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए और निर्धारित अवधि के भीतर अदालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यह हम सभी जानते हैं कि जब भी इस पेन ड्राइव सीडी का उपयोग हम रिकॉर्डिंग के लिए करेंगे, जैसी रिकॉर्डिंग बनेगी कानूनी धारा के तहत निर्देशित है कि 48 घंटे के भीतर जो है ये सब जो चीजें हैं रिकॉर्डिंग वाली AV वाली कोर्ट के अंदर उसकी पेशी होनी चाहिए। तो इस प्रकार BSA धारा 63 सबसेक्शन 4(c)(a) के प्रमाण पत्र और चेन ऑफ कस्टडी के फॉर्म के साथ उसकी हैश वैल्यू जो है, ये सब जो भी चीजें हम करेंगे, प्रक्रिया करेंगे, उस पूरे कागज पत्र के साथ जो है निर्धारित समय में कोर्ट में हमको उसकी पेशी करनी है। यदि मोबाइल रिकॉर्डिंग बीमारी कार्ड में संकलित है तो BSA धारा 63 सबसेक्शन 4(c)(a) प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, केवल मूल मेमोरी कार्ड को ही उचित चेन ऑफ कस्टडी स्टेटमेंट के साथ संरक्षित किया जाना चाहिए और निर्धारित अवधि के भीतर अदालत में पेश किया जाना चाहिए। तो मित्रों, ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है, ये जब पुराने हमारे कानून थे इंडियन एविडेंस एक्ट, वहां पे भी ये बात कही गई थी कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का अगर ओरिजिनल जो डिवाइस जो है जिसके अंदर इस रिकॉर्डिंग को की गई है, उसको संकलित किया गया, अगर हम वो मूलतः कोर्ट के अंदर पेश करें तो हमें इस किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उस चीज को मूल ही माना जाएगा और उसको सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे जब हम इस सर्टिफिकेट की पेशी करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने वो सब जो चीजें मोबाइल में जो आपने संकलित की है उसके बाद आपने डेटा केबल और इस पूरी प्रक्रिया के साथ उसको लैपटॉप में ट्रांसफर किया है, तो ये सब चीजें जो है आपको अगर कोर्ट में पेशी करनी होगी, अगर आपने किसी उसको फाइल फोल्डर या अलग किसी संरक्षित चीज में आपने अगर उसको बनाया है, पेन ड्राइव में उसको अगर कॉपी किया है, तो उसके साथ आपको ये जो सर्टिफिकेट है वो आपको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। मगर आपने अगर ये जो सब चीजें रिकॉर्डिंग अगर किसी मेमोरी कार्ड में की है मोबाइल द्वारा, और उस मोबाइल का मेमोरी कार्ड ही अगर आप ओरिजिनली कोर्ट में अगर दाखिल करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको इस सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं लगेगी। तो ये धाराएं पहले भी थी, बस ये कुछ सावधानियों के साथ मोबाइल रिकॉर्डिंग और हैश वैल्यू निकालने का काम हम काफी समय बचाते हुए और टेक्निकली चीजों का ज्यादा उपयुक्त करते हुए इसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो मित्रों, अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए SOP के साथ और एक नई बात के साथ, जहां हम देखेंगे कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्राइम सीन पे इस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग के वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तब तक देखते रहिए हमारे इस चैनल को, नए नए वीडियो को देखते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।